मैं सी पी राय साहब आपसे बहुत स्पेसिफिक सी चीज है, चुनाव है तीन, मतलब वैसे तो 5 राज्यों में है लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इम्पोर्टेंट चुनाव है। कल प्रियंका गांधी गई हैं, उनकी रैली शुरू हो गई है। मैं पहली बार एक चीज देख रहा हूँ कि बीजेपी डिस्टर्ब हो गई है। नहीं तो अभी तक क्या होता आया था कि बीजेपी तो बिल्कुल अपना काम करती रहती थी, दूसरे लोग डिस्टर्ब हो जाते थे कहीं कोई। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीजेपी की रैली अली नहीं हो रही है ये इधर, लेकिन कांग्रेस अपने, तो कांग्रेस ने क्या अपने को ज्यादा चौक चौबंद किया है? पहली बार देख रहा हूं कि रिएक्शन हो रहा है। बघेल साहब कह रहे हैं भाई आप ये कैसे कह रहे हैं, उधर वो कह रहे हैं कि आप ऐसे कह रहे हैं, हमारे अरे अशोक गहलोत साहब। और मैं दर्शकों को भी एक बात बता दूं, ये थोड़ा मिक्स है क्योंकि मूल रूप से हम लोग थोड़ा चुनाव की बात भी करेंगे। आज एक मेरे ख्याल में बहुत बड़ा वो हुआ है, एक फुल पेज एड तो निकला है, ये महात्मा गांधी मिनिमम गारंटीड इनकम स्कीम जो शहर वाली हुई है, जो राजस्थान ने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया। मेरे ख्याल में अब सारे राज्यों में इररिस्पेक्टिव, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो बीजेपी का हो, देर सवेर इसको इम्प्लीमेंट तो करना पड़ेगा। तो मैं दोनों चीजों पे आपसे, मणिपुर पे भी एक टिप्पणी कर लीजिएगा, और सीपी राय साहब एक एक लंबा इनके, मैं दर्शकों में आपका कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ था, उसमें थोड़ा टाइम लग गया इसलिए बहुत दिनों से बाहर थे, एक्शन में नहीं थे। बहुत दिनों बाद मैंने आग्रह करता था, मैं रोज पूछता रहता था अब तबीयत ठीक हुई, अब ठीक हुई, तो उन्होंने कहा नहीं अब थोड़ा वो है, बहुत स्ट्रेन मत डालिएगा। लेकिन एक बात डॉक्टर साहब, आनंद वर्धन जी, पहले तो मैं राजेश बादल जी के साथ खुद को जोड़ूंगा। अभी थोड़े देर पहले ही मैंने वो वीडियो देखा है जिसमें ऐसा लग रहा है कि वो अफगानिस्तान, सीरिया या रवांडा हो, वो भारत नहीं लग रहा है। मैं 6-7 साल से बार बार ये लिखता था आरएसएस को देख करके कि क्या आरएसएस भारत को सीरिया और रवांडा बनाना चाहता है। बड़ी गाली लोग मुझे देते थे, ऑन रिकॉर्ड है तमाम मेरे सोशल मीडिया पर, ये पिछले 6-8 साल से मैं लिख रहा हूँ जब से इनकी सरकार आई है, और इनके जो एक्शंस हैं, इनके जो हम कारगुजारी जानते हैं क्योंकि इनके साथ हम लोग काम भी कर चुके हैं 1977 तक, 78 में इनके खिलाफ हमने बिगुल बजाया था और एक सरकार गिर गई थी। जो मणिपुर के हालात हैं, वहां के राज्यपाल ने खुद ये स्वीकार किया कि मैंने ऊपर तक सब सूचना दे दी है और मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना हिंसा, इतना सब चीज नहीं देखी है। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि भारत के गृहमंत्री को एक मिनट भी पद पर रहने का अधिकार है या प्रधानमंत्री को पद पर रहने का अधिकार है। मुख्यमंत्री तो किसी खेत की मूली ही नहीं है, वो तो खुद हिस्सा है इस पूरे जो कुछ वहां हो रहा है। और मेरा एक आरोप और है, इसकी जांच हो जानी चाहिए, मैं इसकी जांच चाहता हूं। वनवासी संगठन के नाम पर जो आरएसएस का संगठन काम करता है उसकी जांच होना बहुत जरूरी है कि उसने पिछले मणिपुर में पिछले दिनों में क्या काम किया है, इस पूरे एपिसोड में उसका क्या रोल है, ये जांच का एक बड़ा विषय होना चाहिए, मेरा मानना ऐसा है। मणिपुर में जो हो रहा है उसको केवल ये मान के चलना कि कुकी और मैत्रेयी के बीच में झगड़ा है और आज नहीं तो कल शांत हो जाएगा, ये थोड़ा आधा अधूरा हो जाएगा। मिजोरम के एक बड़े आतंकवादी संगठन ने, जो वहां का कट्टरवादी संगठन है, उसने चेतावनी दी है कि मैत्रेयी लोग तुरंत मिजोरम छोड़ दें वरना मिजोरम में उनके साथ कुछ भी हो सकता है। मुझे शक है कि कहीं ये चीज अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अन्य प्रदेशों में न फैल जाए, इसका परिणाम वहां पर और देखने को न मिले। आप सब बड़े विद्वान लोग हैं, आप सबको पता है पूरा नॉर्थ ईस्ट एक चिकन नेक से जुड़ा हुआ भारत से, जिसकी लंबाई संभवतः कुल 17 किलोमीटर है। चीन आग गड़ा के बैठा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में चीन 16 किलोमीटर घुस गया, ये हमारा आपका आरोप नहीं है। ये लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने अपना भाषण दिया था और उसने ये कहा था कि आप यहाँ हिंदू मुस्लिम में लगे हैं और चीन हमारे यहाँ 16 किलोमीटर घुस के बैठ गया, सड़क बना रहा है। ये लोकसभा में भाजपा के MP का बयान था ये। बाकी बॉर्डर पर चीन कहाँ कहाँ कितना घुसा और हर दिन कितने कितने फुट और अंदर घुसता चला जा रहा, और हम कहाँ पीछे हो गए, हमने अपने किस फिंगर पॉइंट को छोड़ दिया है जहां पर हम पहले जाया करते थे, वो सब चीजें अपनी जगह है। इस पर चर्चा और बहस क्यों नहीं हो पा रही है, इस पर देश में उन्माद क्यों नहीं पैदा हो रहा है, इसमें देश में आग क्यों नहीं लग रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। एक बोफोर्स के सवाल पर पूरी एक देश की सरकार, साफ सुथरे इंसान की सरकार गिर गई थी और उसके खिलाफ तरह तरह के नारे लगने लगे थे। भ्रष्टाचार दर भ्रष्टाचार, इतनी सारी चीजें हो चुकी इस सरकार में, प्रदेश से लेकर दिल्ली तक, और अभी तक उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई क्यों नहीं पड़ रही है। मेरे जैसे लोग जो 48-49 साल से
छात्र जीवन से राजनीति में है मेरे जैसे लोगों के लिए। जयप्रकाश का मूवमेंट, उसके बाद के कई सारे मूवमेंट सब देखने के बाद, क्या यह देश मुर्दा हो गया है या सो गया है, या देश का नेतृत्व मुर्दा हो गया है, यह बड़ी अजीब स्थिति है। मणिपुर में मैं केवल मणिपुर तक नहीं देख रहा हूं, मैं उसको एक बड़े खतरनाक संदेश के रूप में देख रहा हूं। राजेश बादल भाई, आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे, बाकी साथियों मेरा परिचय नहीं है, मैं इसको देश के से विभाजन के एक शुरुआत के रूप में देख रहा हूं। मैं इसको देश के विभाजन की, जैसे भारत भारत जो भारत ये जनसंघ का जो पुराना नाम था हिंदू महासभा, और मुस्लिम लीग की सरकार ने सिंध में, अंग्रेजों के जमाने में सिंध जो प्रदेश था वहां उनकी सरकार ने पहला भारत के विभाजन का प्रस्ताव पास किया था। आप सब विद्वान लोग सब जानते हैं ये हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के ने संयुक्त रूप से पास किया था। उन्हीं के सरकार में, उन्हीं की विचारधारा की सरकार में मैं देश के एक विभाजन की लकीर देख रहा हूं। ईश्वर करे मेरी बात गलत साबित हो, लेकिन जो आरएसएस का पूरा काम करने की शैली दिखती है मुझे, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे देश से उनको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हिंदी भाषी प्रदेश जिसको हिंदू राष्ट्र के रूप में जिसकी कल्पना करते हैं, केवल उतने तक उससे मतलब, उतना बच जाए, बाकी जो बाकी भाड़ में जाना चाहे भाड़ में चला जाए। उसकी शुरुआत के तौर पर मैं इस नॉर्थ ईस्ट की घटना को देख रहा हूं, और आने वाले समय में कहीं विस्फोटक और बड़ी घटना न बन जाए, हमको इसके लिए खाली प्रार्थना करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। आनंदवर्धन जी, जहां तक आपने चुनाव की बात किया है, मध्य प्रदेश का आपने जिक्र किया, राजेश बादल जी वहां के हैं और बहुत बड़े पत्रकार हैं, ये अच्छी तरह जानते हैं, मुझे लगता है मुझसे ज्यादा बेहतर वो बता सकते हैं। लेकिन चूंकि मेरा राजनीतिक जीवन रहा इतना लंबा, मेरा अनुभव ये बताता है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता बहुत बुरी तरह हारने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी वहां भारी बहुमत से जीतने जा रही है। छत्तीसगढ़ का परिणाम भी वही होने जा रहा है और राजस्थान का परिणाम भी वही होने जा रहा है। इन तीनों प्रदेशों का परिणाम एक तरफा होने जा रहा है और भारी बहुमत के साथ होने जा रहा है। और निश्चित तौर पर यह तीन प्रदेश और उसके अलावा जो बाकी प्रदेशों में चुनाव, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वहां कहीं बहुत मजबूत स्थिति में दिखलाई नहीं पड़ती है, तो उसके पेट में दर्द होना, उसके घबराहट होना बहुत स्वाभाविक है। और इतने पाप कर लिए हैं पिछले 8-9 सालों में कि घबराहट तो इस बार की भी होगी ना, कि ईडी सीबीआई को उन्होंने जो नया रास्ता दिखाया है और मुकदमे कायम करने का जो नया रास्ता उन्होंने दिखाया है वो उनके गले न पड़ जाए, ऐसा न हो कि बहुत सारे लोगों की जिंदगियां जेल में कटे। इतने सारे पाप इन्होंने इस दौरान 8-9 साल में कर लिए, और वो अंधभक्त भी बिल्कुल उसी तरह जैसे हिटलर जब तक जिंदा था उसकी उसका हर काम उनको अच्छा लगता था, लेकिन जब उसने आत्महत्या कर लिया और वही दौड़ा दौड़ा के लोग मारे जाने लगे, एक दूसरे को मारने लगे, तब मालूम पड़ा कि नहीं गलती हो गई थी, ये तो हम बड़ा गलत समझ रहे थे, देश तो बर्बाद हो गया। तो देश खोखला हो चुका है, 4 गुना 5 गुना कर्जा बढ़ गया देश के ऊपर, और तमाम मुद्दे आप सब लोग जानते हो, उनको दोहराने की जरूरत नहीं है। ग्वालियर की कल की रैली निश्चित तौर पर बड़ी जबरदस्त रैली थी, और प्रियंका गांधी ने वहां पर बहुत सीजन, बहुत गंभीर, बहुत सीरियस भाषण दिया। ये तो है कि प्रियंका गांधी में एक अट्रैक्शन है, उनके कनेक्ट करने के अंदर उनके अंदर क्षमता है, शब्दों का इस्तेमाल करने का उनके अंदर अच्छी ताकत है, भाषा को सही तरीके से प्रयोग कर लेती हैं, और मुद्दों को उठाने की अच्छी धार उनके अंदर आ गई है। मैं उनका कल पूरा भाषण सुन रहा था, और उस भाषण से पूरे मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कि वो मैसेज देने में कामयाब रही है, और कल से शायद भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नींद नहीं आ रही होगी। डॉक्टर सिपरा, आपसे दो चीजें, ये पहली बार हो रहा, डॉक्टर साहब पहली बार ये हो रहा है, अभी तक कांग्रेस के ऊपर ये आरोप, मतलब ये माना जाता था कि कांग्रेस में फैक्शनलिज्म बहुत है, बहुत आपसी झगड़ा है, खींचतान है, इस समय पहली बार देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में खास करके, अच्छा मैं दर्शकों को बता दूं, जो पुराना इलेक्शन हुआ था 2018 में 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, जो राजेश बादल साहब अगर 50 सीट कह रहे हैं, बड़ा बड़ी बात कह रहे हैं, बीजेपी 109 और कांग्रेस 114 पे थी, इस समय अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि 50 सीट नहीं क्रॉस करेगी, बड़ी बात है। मैं डॉक्टर राय ये पूछ रहा हूं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस का इस समय एक ऐसा प्रदेश है जहां पे आपस में एक लेश मात्र भी कला नहीं है, लेश मात्र भी। राजस्थान में सचिन पायलट उनका सेटल हो गया है, वो ठीक है। छत्तीसगढ़ में सिंहदेव साहब और बघेल साहब का सेटल हो गया है, ठीक है। लेकिन मध्य प्रदेश में ये एडवांटेज जरूर है कि यहाँ कोई दिग्विजय सिंह चैलेंज नहीं कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह अपना जैसा लोग कहते हैं कि अपने लड़के को थोड़ा चाहते हैं कि भाई वो कहीं उसका कुछ एमएलए बन जाए, मंत्री बन जाए, लेकिन इट एंड्स देयर, वो चीफ मिनिस्टर की रेस में नहीं है। ये एडवांटेज रहेगा क्या कांग्रेस को, डॉक्टर राय?
मुझे लगता है कि राजेश बादल साहब ने जितनी अच्छी व्याख्या मध्य प्रदेश की कर दी उसके बाद वहां कुछ कहने के लिए बचता नहीं है। और ये सच बात है कि सिंधिया के चले जाने से कांग्रेस को लाभ हो गया है। सिंधिया फ्रिक्शन एक जरूर था कि वहां पर एक अलग गुट के रूप में चलता था। और जहां तक दिग्विजय सिंह का सवाल है, वो तो पहले भी कमलनाथ के साथ थे और उसके अलावा वहां किसी तरह का कोई ग्रुपिज्म है नहीं। दिग्विजय सिंह जी ठीक, अपने बेटे को मंत्री उन्होंने पहले ही बनवा लिया, मंत्री तब भी बन गया था। वो जो भी कुछ काम कर रहे हैं पूरे टाइम मध्य प्रदेश में लगे हुए हैं और वो सरकार बनाने के लिए कमलनाथ के पीछे खड़े हुए हैं। तो निश्चित तौर पर जब पूरी पार्टी एकजुट है और नेतृत्व वहां पर प्रियंका गांधी का है, तो परिणाम वही आएगा जो राजेश बादल साहब ने कहा है, उसमें कोई शंका नहीं की जानी चाहिए।